जनता तो मोदी को देगी, बीजेपी आएगी 100%। अगर वो इतने भरोसे लायक होते तो राहुल गांधी कभी अपने हाथ से सरकार जाने ही नहीं देते। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसने का व्यापारी मैं भी हूँ, मैं भी व्यापार करता हूँ। मोदी जी ने हमारे लिए बहुत समस्या खड़ी करी है। सबसे बड़ी समस्या तो ये कि नंबर 2 काम बंद कर दिया हमारे, सारे काम ही नंबर 1 के हो गए। लिखापढ़ी जब भी आओगी मैं आपको लिखापढ़ी करते हुए मिलूंगा, तो हमारे काम नंबर 2 के बंद हो गए। मतलब देश में लोकतंत्र ही नहीं है, और कैसे होगा कोई और तरीका लोकतंत्र का? आप मेरे पास आई हैं, डायरेक्ट आई हैं, बिना किसी उसके आई हैं, और मैं भी कोई आपको जवाब दे रहा हूँ बिना किसी हिचकिचाट के दे रहा हूँ। योगी सरकार का तो बुलडोजर चलता है भाई, उसके योगी ही एक ऐसा है जिसकी वजह से हम बनिया लोग एक सावधानी से यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि हमको ये बताया गया है कि योगी जी भूमाफिया वालों के लिए एक कहर बन के रहते हैं। देखिए इस समय हमारे हाथ में ज़्यादातर बीजेपी का ही बोलबाला है, यहाँ जितने भी लोग हैं सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो बीजेपी ने जो किया है वो किसी और पार्टी ने अभी तक नहीं किया है, तो इसलिए आगामी तो मोदी को ही मजबूत कराना है। करंट हुआ था जो अपने पिता का ना हुआ वो किसका होगा? मोदी जी पे लगेगा मोहर, वापस आने चाहिए मोदी जी। वापस क्यों चाहते हैं आप? बहुत अच्छा काम हुआ है 10 सालों में हाथरस में। राहुल गांधी वो तो बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार है। ठीक है ना, मोदी मोदी साहब। क्या नाम है सर आपका? नितिन गोयल। सर ये बताइए 7 तारीख को वोटिंग है हाथरस में, क्या जनता का मूड है इस बार? जनता तो मोदी को देगी, बीजेपी आएगी 100%। सर क्यों लगता है मोदी जी बढ़िया है? मोदी जी के काम अच्छे है, उन्होंने सब क्या कहते हैं जो अच्छे काम कर सकते हैं देश को, जो आगे बढ़ाएगा उसी को तो हम सब लोग वोट देंगे। मोदी जी का काम सही चल रहा है, हमें तो सही लगता है। सही लगता है सर, क्या काम बढ़िया लगते हैं आपको मोदी? उनका काम सबसे पहले उन्होंने देश को डिजिटलाइज कर दिया। आज हम भी हैं बैंक में, ये नहीं है कि नकली नोट है असली नोट है, सारा नोट जितना भी है सब बैंक में डायरेक्ट जमा होता है। डायरेक्ट ये सब पेटीएम वगैरह लगाए हुए हैं, तो अब कैश का ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, तो जो नकली नोट चलना था वो भी कम हो गया काफ़ी, और ना नकली नोट ग्राहक से लेते हैं, ना नोट चेक करने की ज़रूरत, ना कुछ, सीधे सीधा बात है बैंक में अकाउंट डायरेक्ट जमा करो पैसे। ना जो नंबर 2 के काम थे सारे बंद हो गए, नंबर 2 के काम बंद हो, काफ़ी बंद हो गए हमारा। ये सर अब नहीं लगता कि अखिलेश और राहुल गांधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, तो उन पर भरोसा करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें बदलेंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर वो इतने भरोसे लायक होते तो राहुल गांधी कभी अपने हाथ से सरकार जाने ही नहीं देते। वो खुद उनके काम में इतना अच्छापन नहीं था, तभी देश ने बदल के दूसरी सरकार को दिया है, और लगातार मोदी जी को ही चुन रही है। वो कह रहे हैं हम इस बार देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई है। ये उनका अपना कहना है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि इससे कभी देश बदलेगा। नहीं लगता कि गठबंधन इस बार मोदी सरकार को हरा सके? कोई प्रश्न ही नहीं उठता किसी प्रकार का, कैसा भी कोई प्रश्न नहीं है। कहता व्यापारी और जनता नाराज है मोदी से? ऐसा कुछ भी नहीं है, किसने का व्यापारी मैं भी हूँ, मैं भी व्यापार करता हूँ। मोदी जी ने हमारे लिए बहुत समस्या खड़ी करी है। सबसे बड़ी समस्या तो ये कि नंबर 2 काम बंद कर दिया हमारे, सारे काम ही नंबर 1 के हो गए। लिखापढ़ी जब भी आओगी मैं आपको लिखापढ़ी करते हुए मिलूंगा, तो हमारे काम नंबर 2 के बंद हो गए। लेकिन इससे हमको कुछ छड़ के लिए तो दिक्कतें हुई हैं, हमारे लिखापढ़ी का काम काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन देश के लिए और आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। देश में लोकतंत्र ही नहीं है, और कैसे होगा कोई और तरीका लोकतंत्र का? आप मेरे पास आई हैं, डायरेक्ट आई हैं, बिना किसी उसके आई हैं, और मैं भी कोई आपको जवाब दे रहा हूँ बिना किसी हिचकिचाट के दे रहा हूँ। नहीं तो कैसे, पहले हम तो बनिया बिरादरी के हैं, वैसे ही पैदा ही डरपोक हुए हैं, तो हम इतनी बात खुल के कह ही नहीं सकते। सब बार बार भी ये कहा जाता है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अगर मोदी सरकार फिर से आती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा। नहीं, ऐसा हमको लगता नहीं है। आपको जो कह रहा होगा ये उसका अपना अलग क्या कहते हैं अपना मत होगा, सबका देखो अपना अपना मत है। मैं तो आपको अपना ही मत बता रहा हूँ जो मुझे लगता है, और जो मेरे फ्रेंड्स को लगता है, जो मेरे परिवार को लगता है कि मोदी जी के आने से हम लोग आगे बढ़े हैं। बीते 7 सालों में योगी सरकार रही है राज्य में, कैसा काम रहा है कानून व्यवस्था को लेकर? अगर योगी सरकार का तो बुलडोजर चलता है भाई, उसके योगी ही एक ऐसा है जिसकी वजह से हम बनिया लोग एक सावधानी से यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिना किसी डर के बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि कोई आएगा बदतमीजी करेगा हमसे, क्योंकि और हमारी भी प्रॉपर्टियाँ हैं, सारी प्रॉपर्टियाँ सेफ है, क्योंकि हमको ये बताया गया है कि योगी जी भूमाफिया वालों के लिए एक कहर बन के रहते हैं। तो हम लोग जो पहले प्रॉपर्टी से दूर भागते थे कि हमें नहीं खरीदनी है, अब हम प्रॉपर्टियों को दिल खोल के खरीदते हैं, खरीद रहे हैं। हाँ, कह रहा बुलडोजर और काउंटर से डरा रहे योगी जी, ये सब उनके लिए है बुलडोजर वगैरह, जो भूमाफिया हैं और जो गुंडे लोग हैं। हम जो शरीफ लोग हैं जो नंबर 1 में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपना पैसा देकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी प्रकार की किसी को डरने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? शशिकांत शर्मा। आप मुझे बताइए शर्मा जी, वोटिंग होने वाली है हाथरस में 7 तारीख को, क्या माहौल है हाथरस की जनता का, किस पर भरोसा है इस बार? देखिए इस समय हमारे हाथरस में ज़्यादातर बीजेपी का ही बोलबाला है, यहाँ जितने भी लोग हैं सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो बीजेपी ने जो किया है वो किसी और पार्टी ने अभी तक नहीं किया है। हाँ। तो इसलिए आगामी तो मोदी को ही मजबूत कराना है। क्यों
लगता है कि मोदी को मजबूत कराना बढ़िया रहेगा, वहीं दूसरी तरफ जब पार्टियां अलग अलग बात कह रही हैं कि हम भी काम करेंगे? देखिए, आने वाले स्तर में जो भी मोदी काम कर रहे हैं तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली चीज़ें हैं। जब तक हमारे लिए जागरूकता नहीं मिली थी, वो जागरूकता उन पीढ़ियों के लिए वो तैयार कर रहे हैं जिससे आगे उनको फायदा मिलेगा। मतलब फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं मोदी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, मोदी कह रहे हैं हमारी गारंटियों पर भरोसा है, तो भरोसा करते हैं मोदी की गारंटी? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नहीं लगता कि अखिलेश राहुल जो है वो युवा है, वो बढ़िया काम करेंगे? जी, अखिलेश जो है युवा हैं, ठीक है, उन्होंने जब भी काम किया था, जब वो आए थे क्षेत्र में या राजनीति में उतरे थे, तो उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन उनकी तुलना अगर मोदी से की जाए तो मैं नहीं मानता कि नहीं। तो सर इस बार अखिलेश अकेले नहीं है ना, गठबंधन के साथ है, और वो लगातार कह रहे हैं जनता का मूड बदल रहा है, महंगाई बढ़ा दी है मोदी जी ने, मोदी जी जनता परेशान है। नहीं, बेहतर जो है अगर वो गठबंधन में है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार एक कांड हुआ था, जो अपने पिता का ना हुआ वो किसका होगा, तो वो भी कहानी उनके साथ जुड़ी हुई है। तो ये तमाम चीजें रही हैं, बहुत सारी चीजें। उत्तर प्रदेश में व्यवस्था कैसी है, कानून पे अगर हम बात करें तो, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, काम हमने उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश की अगर मांग की कानून व्यवस्था के बारे में, तो जब से बीजेपी आई है इतनी जागरूकता हुई है, कहीं भी कोई क्राइम नहीं है, जितने भी जो क्राइम करने वाले लोग थे, बदमाश टाइप के लोग थे, वो सारे ये भूमिगत हो गए हैं और या जेल में हैं, या उनको मतलब मोदी जी ने जो है हटा दिया है दुनिया से। सर ये बताइए, हाथरस की जनता के इस बार क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिसकी वजह से इस बार जो 7 तारीख को वोटिंग होगी? देखो, मुद्दों की देखें तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो कोई यहाँ एक धर्मशाला ऐसी नहीं है, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है जैसे कन्याओं के लिए या ब्राह्मणों के लिए, जैसे कि बच्चे होते हैं उनकी शादियाँ ब्याह हो जाए, फ्री में हो जाए, या कोई ऐसा अनुदान होना चाहिए जैसे छोटी छोटी कन्याएं, किसी गरीब की कन्याएं तो उसको अनुदान मिले, ऐसी चीज़ें व्यवस्था हो, बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हैं। तो आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें बीजेपी ही कर सकती है, मोदी कर सकते हैं, कोई और भी कर सकते हैं? हाँ ना, बिल्कुल मोदी हैं तो सक्षम है। उम्मीद बस मोदी से? मोदी से है। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है आपका? लोकेश सैनी। लोकेश, आप मुझे बताओ क्या माहौल लग रहा है इस बार, मोदी या कोई और? मोदी जी पर लगेगा मोहर। मोदी जी पर? मोदी जी पर मोहर क्यों लगाना चाहते हैं? मेरा तो अभी वोटिंग है, पापा भैया सब मोदी जी पर ही लगाएंगे। कितने साल के हैं आप? 18। पहला वोट करेंगे ना इस बार? हाँ। तो पहले वोटर हैं आप, क्यों चाहते हैं कि मोदी जी बढ़िया है? तो मोदी जी बढ़िया, सरकार बढ़िया चल रही है। क्या बढ़िया लगता है आपको इनकी सरकार में? राम मंदिर बन गया, और क्या बढ़िया है जी, हमारे तो जी बढ़िया है। एक राम मंदिर मुद्दा है इस बार बड़ा है। हाँ, राम मंदिर को देखकर मोदी को वोट देंगे। हाँ। चलिए, हम जब व्यापारियों से बात ही कर रहे हैं तो यहाँ भैया से भी बात करें। क्या नाम है भैया आपका? अजय। भैया ये बताओ, 7 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाली है, जनता का भरोसा इस बार, हाथरस की जनता का किस पर भरोसा है? क्या एक बार प्रधानमंत्री वापस आने चाहिए मोदी, या फिर बदलाव चाहते हैं जनता? नहीं, वापस आने चाहिए मोदी जी। वापस क्यों चाहते हैं आप? बहुत अच्छा काम हुआ है 10 सालों में हाथरस में, और आगे भी, और हाथरस से बीजेपी की सीट ही निकलती है। हाँ। और आगे भी बीजेपी की निकलेगी। नहीं लगता कि राहुल अखिलेश आएंगे तो अच्छा काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। लगता युवाओं को परेशान कर रखा है मोदी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सब खुश हैं, युवा बहुत खुश हैं। हाँ। और आगे मोदी जी को ही चाहेंगे, हम भी मोदी जी को वोट देंगे। आप भी मोदी जी को वोट देंगे जी? आप युवा हैं, आपका क्या मुद्दा रहने वाला है जिसको देखकर आपको लगता है कि मोदी ही बढ़िया है? नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, रोजगार वगैरह सब चीज़ सभी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लगता महंगाई बढ़ा दी है व्यापारी समाज को? बिल्कुल नहीं लगता, कोई नहीं नहीं नहीं, सुरक्षा है उत्तर प्रदेश जी जी बिल्कुल जी। अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल? कुछ नहीं है, वो तो आएंगे वैसे ही, वो क्या कहें उनके बारे में, कुछ नहीं। राहुल गांधी? वो तो बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार है। क्या नाम है? मेरा नाम है सतीश। आप मुझे बताइए, आपका भरोसा किस पर है, 7 तारीख को वोटिंग होने वाली है हाथरस में? ठीक है ना, मोदी साहब। मोदी जी क्यों बढ़िया लग रहे हैं? बढ़िया ही लग रहे हैं। 120 रुपए का 140। अब इनका नाम हमने यही सुना है, अखिलेश राहुल का नहीं सुना? उनमें बिल्कुल भरोसा नहीं है? अरे ना, भरोसा है। किस पे भरोसा, मोदी अखिलेश? अरे हम पे, सबन पे भरोसा आया। सबको वोट नहीं दे सकते ना? चौनी देंगे ना, मोदी अखिलेश राहुल एक। अच्छा, चलो ठीक है।